जोर की चीख मेरे से निकली कि यहाँ पे पानी का झरना है। आशु को आज बहुत ही ज्यादा दुख हो गया। भंडारी जी भाटू उठाने वाले। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है रितु कश्यप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। इसका रीज़न तो कुछ भी नहीं है, बस टाइम नहीं लगता है और कभी मन भी नहीं होता है। तो आज है 17 नवंबर और अभी 3:20 हो चुके हैं और गाइस, आज हम जा रहे हैं पानी लाने, जहाँ से हमने अपने घर के लिए पानी जोड़ा हुआ है पीने का। वो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो आज आशु और मैं जा रहे हैं पानी जोड़ने, देखते हैं कि हम सक्सेस होते हैं या नहीं। सो अभी हम आधे रास्ते में और हम अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर से। तो हमारे घर से 10-15 मिनट लगते हैं वहां के लिए, जहां से हमने पानी जोड़ा हुआ है। तो गाइस, चलिए आपको भी ले के चलते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। पहले जब हम आ रहे थे तो उस वक्त मैं मुर्गे से डर गई और बहुत ज़ोर की चीख मेरे से निकली। ये हम दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं कि हम पानी। चलिए मेरा, तेरे साथ मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ ना। सो गाइस, देखते हैं कि हम पानी ला पाते हैं या नहीं। सो चलिए गाइस, आप व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। लास्ट पॉइंट कहाँ है? अगर आशु ना यहाँ पे कुछ हुआ तो तेरे को डर नहीं लग रहा आशु? हे भगवान, जूता फंस गया। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमको यहाँ से यहाँ पीछे के लिए जाना है क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट है, तो उसको चेक करके हमें आना पड़ेगा। तो आइए। आप 1 मीटर को यहीं रुको, मैं फिर चेक करके आता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे फाइनली हम खड्ड में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो आजकल पानी थोड़ा कम होता है और गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है और जिस वजह से खड्ड भी क्रॉस नहीं हो पाती है। वहाँ ऊपर से हमने पानी जोड़ा हुआ है, ये पानी ये खड़ का पानी वैसे हमने नहीं जोड़ा, ये नेचुरल जो ज़मीन से निकल रहा है वो पानी हमने पीने के लिए जोड़ा है घर के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ है और यहाँ पे भालू का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ओ माय गॉड, है क्या वो? यहाँ वाला पॉइंट बंद कर दो, हे भगवान, इतने मुश्किलों भरा रास्ता है यहाँ, देखिए। हाँ शू यार, यहाँ गुफा जैसी भी है कुछ। तो जी, फाइनली हम उस जगह में पहुंच गए हैं जहां से हमने पानी जोड़ना है और ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ये बड़े वाला, इसके नीचे से पानी निकल रहा है और वहीं से हमने अपनी पाइप जोड़ी हुई है और ऊपर आप देख सकते हैं कि यहां पे पानी का झरना है ऊपर। यहां देखिए, यहां पे देखिए गाइस, पानी लाने की टेक्निक। आगे, ओ माय गॉड, पानी आ चुका है यहाँ पे, देखिए गाइस। अभी ये तो शुरुआत है, अब आगे देखते हैं। आप फोन करो पहले मेरे को, आप फोन करेंगे मेरे को? फोन करो मेरे को, यहाँ पे रहना, जब मैं बोलूँगा आपको पानी जोड़ने की तब यहाँ से पानी जोड़ना है, ठीक है? तब तक कैसे घंटे पानी आ रहा है इसमें, बोल रहे कुमार के ऊपर ये लगाना है, फिर इसमें ये लगाना है अपने इसमें, ठीक है? जब बोलूंगा आपका देखो पानी जोड़ो, जब बोलूंगा तो पानी जोड़ो तब, ठीक है। हेलो गाइस, तो ये भी टाइम 4:15 का हो चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हमसे पानी पूरा तो नहीं जुड़ पाया, आधे तक हमने पानी जोड़ दिया है और वहाँ से थोड़ा सा पाइप नहीं था तो हम घर से भी पाइप लेके नहीं आए थे, तो उस वजह से हम पानी नहीं जोड़ पाए। यहाँ पे आप देख सकते हो रास्ता कितना ख़राब है, यहाँ से देखिए यहाँ पे सारे में घास ही घास है और आशु पूरी तरह से थक चुका है। सो गाइज,
बाकी सासू माँ वगैरह इधर घास के लिए आए, तो उनके साथ हम पहले आए थे। तो जी हम यहाँ से घास भी लेके जा रहे हैं। चलो एक काम तो नहीं हुआ, दूसरा काम तो हो जाएगा। क्यों आशु, घास तो ले जाएंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर घास निकाला जा रहा है गाय के लिए। यहाँ पे देखिए, अब पता नहीं उन्होंने कितने बिंडे निकाले होने, कितने बिंडे गाड़े, और वहाँ पे हम आपको मिलवाते हैं दादी और छोटी सासू माँ से। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, एक दो महीने बाद आपको इनके दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और ये आपके छोटे वाले सासू माँ, हेलो करो, ये आपकी स्पेशल जो मतलब कि आपकी फेवरेट है। और गाइज यहाँ पे मैं आपको मिलवाती हूँ दादी से। और यहाँ पे देखिए दादी हमारे कितने फास्ट है, और इन्होंने एक बार टू लगा दिया। हेलो करो दादी, हेलो हेलो। यहाँ देखिए गाइज, और ये दो दो बहुओं ने अभी तक एक बार टू भी नहीं लगाया। और गाइज मैंने सोचा था कि मेरे को सीधे बार टू उठाने को मिलेगा, तो यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया और मुझे घास निकालना पड़ा पहले अपने लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर भाटू लगाए हुए हैं, इसको हमारी भाषा में भाटू बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह हम इसको अलग अलग बोलते हैं, जैसे कि हम शिमला साइड रहते हैं तो इसको भाटू बोलते हैं, कुछ लोग इसको भारा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको घास का भारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है इसके। इसमें इस तरह से देखिए यहाँ पे रस्सी बांधी जाती है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो औजार है इसको बोलते हैं ब्रैची। स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है जो आपको ऊंची जगह पे अगर कहीं कहीं घास काटना होता है, या फिर घास की बहुत ज़्यादा घास के बीच आपको कुछ चीज़ काटनी है उसके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मम्मी और ये है दादी, और ये दोनों जो है यहाँ पर इस क्षेत्र के बहुत ज़्यादा पुराने खिलाड़ी है। ये देखिए सभी लोग महिलाएँ यहाँ पर घास ले आ चुकी है, और अभी भी मेरा दुख खत्म नहीं हुआ है। हे गाइस, तो जी अब हम भाटू उठा के चल पड़े हैं अपने घर के लिए, और यहाँ से 5-6 मिनट ही लगते हैं अगर फास्ट चलते हैं, अगर स्लो में चलते हैं तो 10 मिनट लगते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आशु को आज बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया है, और ये बार बार बोल रहा है कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, और इसका दुख अब पता नहीं कब ख़त्म होगा। और यहाँ पे देखिए एक ही बिंडा इसने उठाया इतने बड़े आदमी ने, और पीछे आप देख सकते हो सारे बारी बारी से आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए गांव में इस तरह से पशु के लिए घास लाते हैं, और गाय सभी एक साथ इकट्ठे मिलजुल के जाते हैं, क्योंकि वहाँ अकेले यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा होता है, तो इसलिए अकेले अकेले नहीं जाते। सो यहाँ देखिए सब ने अपने अपने भाटू उठा दिया, और इस एक लड़के को छोड़ के बाकी सब ने भाटू उठाए, और इसने एक ही बिंडा उठाया, और बहुत शर्म की बात है। और गाइस अब यहाँ से हमारा घर भी दिख चुका है, तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए इस तरह का सीधा सीधा रास्ता है, और इसी तरह का रास्ता घर तक जाता है बिल्कुल सीधा सीधा। और वहाँ देखिए गाइस, वहाँ पे ये मेरा घर भी दिख चुका है, और यहाँ तक हमें जाना है। और गाइस ज़्यादातर हम इस ओर घास काटने आते हैं, यहाँ पे सर्दियों में धूप थोड़ी कम लगती है और ज़्यादा धूप नहीं होती है। और इधर आप देख सकते हो चील का जंगल है, और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, अभी भी थोड़ी ठंड लग रही है। वैसे यहाँ देखिए कोटी पहनी हुई है, फिर भी ठंड लग रही है। यहाँ पे देखिए आशु भंडारी जी। और गाइस हमारे यहाँ पहाड़ों में जेंट्स को एक एक बिंडा ही दिया जाता है घास का, और बाकी बार बाकी भाटू लेके आते हैं। यहाँ देखिए गाइस, गुस्से में एक बिंडा फेंक दिया है, और अब यहाँ पे आशु भंडारी जी भाटू उठाने वाले। ओह माय गॉड, यहाँ देखिए गाइस शाशु भंडारी जी ने भाटू उठा लिया। देखिए दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं, और आपकी कभी द्राटी गुम नहीं होगी। हेलो गाइस, तो ये भी टाइम हो रहा है 5 बजे का, और यहाँ देखिए वहाँ से हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और अभी हम सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, और अब 2-3 मिनट से हम घर में पहुँचने वाले हैं। सो आप यहाँ पे धूप देख सकते हो, धूप बिल्कुल जा चुकी है। सो गाइस अब हम
भाटू उठा के चल पड़े अपने घर के लिए। सो अब थोड़ी देर से अंधेरा हो जाएगा, आधे घंटे से, और आपको तो पता ही है सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। और अब घर जाके तो आपको पता है गाय वगैरह दुनी होती है और डिनर वगैरह बनाना होता है। तो जी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ब्लॉगर ऋतु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जी मिलते हैं अब आपसे एक और न्यू वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।